अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी दुनिया भर में जो चर्चा जारी है वो यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर, जंग अभी भी जारी है, घमासान बढ़ता जा रहा है। ऐसे शक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि क्या ये तीसरे आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। लिहाजा बेलगाम शहर के कई सारे तलबा वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर पूरे मुल्क के 20,000 से भी ज़्यादा तलबा वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ा अल्ताफ सुबेदार, जो यूक्रेन में वो पढ़ती हैं, MBBS के दूसरे साल में पढ़ रही थी। लिहाजा इसी दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ और अब वहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनके साथ क्या मामलात पेश आए, किस तरह से वो हादसात से दो चार हुए, क्या हादसात उनके साथ पेश आए। लिहाजा सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। जिस तरह से आप पहली, यानी कि यहाँ पर पहुँचने वाली आप पहली तलबा हैं, यहाँ पर वहाँ पर आप पढ़ने के लिए गई थी, तो क्या हालात पेश आए, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र है, लोग बड़े डरे सहमे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ भी जो हादसा, वहाँ से यहाँ तक आप आई हैं, तो आपके साथ क्या हुआ, क्या क्या तमाम तफसीलात आप अगर हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको आप बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं यहाँ पे अभी यूक्रेन से थोड़ी देर पहले ही, मतलब कुछ ही घंटे पहले आई हूँ। कल रात को हमारी फ्लाइट लैंड हुई मुंबई में, तो वहाँ से अब्बा जी आए थे मुझे लेने। पहले तो जब जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी है BSMU, बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और मैं सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ वहाँ पर। तो हमारा रीजन वेस्टर्न यूक्रेन रीजन है, तो वहाँ पे हमें कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कोई एयर स्ट्राइक हमने नहीं देखा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ मैं कि वहाँ पे हमें कुछ ऐसा देखने की हालात पैदा नहीं हुई। तो वहाँ पे जब हम थे, हम हॉस्टल में सब सेफ थे। जैसे ही हमें ये अटैक के बारे में पता चला, हमें एम्बेसी से और हमारे कोऑर्डिनेटर MD हाउस, उन लोगों ने कोऑर्डिनेट किया, और वहाँ से जल्दी ही हमें नेक्स्ट डे ही हमें लिस्ट बना के बस इसमें भेज दिया गया बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर मेरे जो मैं रहती हूँ वहाँ से बॉर्डर बस 40 या 50 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ से हमें जाने कोई दिक्कत भी नहीं हुई। बस बॉर्डर हम जब पार कर रहे थे, वहाँ पे हमारे इंडियन एम्बेसी के लोग भी थे, जो भी ऑफिशियल्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के डीन भी मौजूद थे, तो उनके साथ मिलकर हमें, उन्होंने 220 करीब आसपास 220 बच्चे हैं पहली बैच में, उनको क्रॉस करवाया। फिर रोमानिया में वहाँ पे हमें वीज़ा मिला, वहाँ से 12 घंटे की कुछ जर्नी थी हमारी रोमानिया एयरपोर्ट तक। फिर वहाँ से हमें इंडियन गवर्नमेंट ने फ़्लाइट अरेंज की थी मुंबई, पहली फ्लाइट से मैं आई हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सब कुछ ठीक चला। कुछ हमें ये हालात, बुरे हालात फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन हमारे जो बच्चे बाकी के जो इंडियन जो फंसे हुए हैं, बाकी जो वहाँ पे जो खार्किव और कीव में है, उनकी हालात बहुत बुरी है, बदतर है ये कह सकती हूँ मैं। और मेरी बस गवर्नमेंट से और यही मैं इल्तिजा करती हूँ कि वो जल्द से जल्द उनको वहाँ से निकालें और उनकी बात को सुने और उनकी आवाज़ उन तक पहुंचे। नहीं, ये कह रहे हैं आप तो किस्मत वाली रही कि आप पहली बैच से निकल कर आई, और ख़ास कर बेलगाम से 12 तलबा वहाँ पर होने की बात कही जा रही है, यहाँ से भी एक और कोई है तो वो तो पहुँच नहीं पाए, लेकिन आप पहुँची हैं। लेकिन जो बच्चे वहाँ पर तलबा जो फंसे हुए हैं, हुकूमत कोई इकदाम करने के लिए क्यों तैयार नहीं, कुछ आप उस ताल्लुक से, क्योंकि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत अगर ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ अगर कामों को अंजाम देती तो शायद अब बच्चे जल्दी घर लौट जाते, क्योंकि वालिदैन परेशान हैं। वालिदैन परेशान होंगे ही, क्योंकि हालात ही वैसे कुछ हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जितना हो सके वो सब कर रहे हैं। हमें जैसे कि हमको निकाला, वैसे ही हमें मिनिस्टर साहब आके मिले थे वहाँ पे, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द, अभी दो फ्लाइट्स आ गई हैं, एक मुंबई और दिल्ली, और अभी एक और दो और निकलेंगी कल वहाँ से। कल वहाँ पर जो बच्चे बाकी हैं वहाँ, वो भी निकलेंगे और बॉर्डर पहुँचेंगे और वहाँ से उनको निकाला जाएगा जल्द से जल्द, यही हमें बोला गया है। जितना हो सके वो सब कर रहे हैं, बाकी हम हमारी तरफ से हम दुआ कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए जल्द से जल्द, और गवर्नमेंट से हमारी यही, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द उनको वहाँ से जितने अपनी तरफ से कोशिश हो सके वो पूरी। जो फंसे हुए हैं, हालात जो आपने अपनी आंखों से देखा है कि लोग पैदल भी जा रहे हैं, किसी तरह से निकलना चाहते हैं, आपने क्या देखा? मैं इसमें
बहुत बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि हमें कोई चल के जाना नहीं पड़ा। हमारी नेक्स्ट बैच ही जो हमें छोड़ के बसेस वहाँ से निकले थे उनको थोड़ा कोई दिक्कत हो गई, क्योंकि वहाँ से और उनको छोड़ के फिर से बच्चों को लाना था, तो उसके लिए बसेस की शॉर्टेज हो रही थी, तो उनको 3 किलोमीटर जल्दी छोड़ा गया, तो उनको 3 किलोमीटर ठंड में चल के आना पड़ा वहाँ से। उनको आपने कहा कि जितना मुमकिन हो सके हुकूमत कर रही है, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने भी इल्ज़ाम लगाया कि किराए को दुगना कर दिया गया है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? इस पर मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं लिया है अभी तक। जितना भी मैं आई हूँ चरनिफ्सी से लेके यहाँ बेलगाम पहुँचने तक, यहाँ तक कि मुंबई पहुँचने के बाद भी जो मेरे बाकी के कलीग्स थे उनको बैंगलोर पहुँचाना था, क्योंकि बहुत सारे बैंगलोर से हैं, तो उनको भी वहाँ से फ्लाइट तुरंत तब के तब बुक किए हमारे सामने, और कोई पैसे नहीं ले गए हमसे। इनके वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं। सभी जानते हैं कि जब इस तरह के हालात पेश आते हैं, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर दूर जब बच्चे इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशान वालिदैन होते हैं। सर, ये जो मामला पेश आया, आपकी बेटी तो पहली बैच में पहुँची आप तक, लेकिन आपके दरमियान में जो 5 दिन हुए इस जंग को शुरू हुए, तो आप इसको कैसे महसूस करें? जी सलाम अलैकुम। जी महसूस बोल तो हमें भी जब से हालात के बारे में पता चला था, हम भी सुनकर देखकर टीवी में बहुत घबरा गए थे। फिर लड़की से फ़ोन में बात होती थी, वो वजह से लड़की हमें पूरा वहाँ के हालात बताती थी, वो वजह से थोड़ा ये मिलता था सुकून समाधान। फिर बाद में वो उनकी ये यूनिवर्सिटी वाले और ये लोग हमारे इंडियन एम्बेसी उनके कंसर्न्ड जो एजेंसी है वो लोग कोशिश कर रहे हैं इनको वहाँ से निकालने की जल्द से जल्द। ऐसा पता चलने में बाद में उनसे भी मैं कॉन्टैक्ट किया, वो लोगों से भी पॉजिटिव उधर से ये मिलने के बाद ज़रा समाधान हुआ। और जब ये लोग वो जो यूक्रेन से नहीं निकल सकते, दूसरे देश से जाके वहाँ के हमारा एयरपोर्ट यूज़ करके निकलना चाहिए ऐसा समझ में आया। फिर वो भी कब पॉसिबल होता ये भी हमें यकीन नहीं हो रहा था। जब ये वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल के जाके जब बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश जाए रोमेनिया, जब बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं तो ये न्यूज़ आने के बाद में थोड़ा हमें दिलासा मिला। फिर वो लड़की तो हमें फ़ोन में टच थी मैसेज वगैरह से, तो बाद में वो बोली इतने बजे हमारी फ़्लाइट है, इतने बजे हम पहुँच रहे। उनके 2 बैच आ रहे थे, एक दिल्ली जा रही थी एक मुंबई, और खुदा ना इससे उसने 5 रातें जो गुजरी हैं। आप इस पर भी तो एक जहनी दबाव में रहे होंगे, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, जहनी दबाव में थे। और वो इनके थोड़ा एरिया जो था ना इनका, वो थोड़ा दूर रहने के वो थोड़ा समाधान था। फिर भी ये वार जो रहता है ना, ये कब किधर फैलेगा कहाँ तक पहुँचेगा बोल नहीं सकते, वो तो डर तो था ही बहुत। अच्छा, मैं फैज़ा सवाल पूछूंगा आखिरी, क्या हालात अचानक करवट ले चुके? क्योंकि आप जब ने एडमिशन लिया था, दाखला लिया था, तो सोचा भी नहीं होगा कि जंगी हालात रूनुमा हो सकते, जब अचानक ये हालात आ गए तो आपने कैसे महसूस किया? अचानक बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, और ऐसा आगे किसी भी देश के साथ, किसी भी मुल्क के साथ ऐसा ना हो, ये मैं चाहती हूँ ऐसा। बट जब पता चला तब डर गए थे, डरा हुआ सा माहौल था, पर अल्लाह पे पूरा ये यकीन था कि हमें कुछ होगा नहीं, और हमारी गवर्नमेंट भी साथ देगी, तो हमें जल्द से जल्द वहाँ से निकालेंगे। और हम अब हमारे पेरेंट्स से भी कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे, उनको बोल रहे थे, दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी तो बस मेरी दुआ है कि मेरे बाकी के दोस्त जो वहाँ पे हैं वो जल्द से जल्द आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी बच्ची जो है यूक्रेन में पढ़ने गई थी 2 साल पहले जी। तो अभी वहाँ पे युद्ध, रशिया की तरफ से युद्ध होने की वजह से हालात बहुत ख़राब हो गए, तो पूरी फैमिली, सूबेदार फैमिली पूरी डिस्टर्ब थी जी। तो बच्ची कैसे भी करके घर आ जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि बच्ची हमारी सही सलामत फर्स्ट बैच में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं कि फैज़ा अल्ताफ़ सूबेदार यहाँ साथ हमारे मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी है, कि उन पर एक चेहरे पर एक इत्मीनान सुकून देख सकते हैं कि जंगी हालात में किस तरह से कई सारे वालिदैन आज मुंतज़िर है कि अपनी औलाद, अपने बच्चे घर वापस आए। लेकिन सभी फैज़ा की तरह वो खुशकिस्मत नहीं होते, अभी भी बहुत सारे इंतज़ार में, लेकिन दुआगो हैं कि अल्लाह ताला ये हालात को फिर से एक अमन सुकून के फ़िज़ा में फिर से वत
वो इल्म हासिल करे, फिर से वो अपने कॉलेज को जाए, इस तरह से। बहरहाल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेलगाम शहर के करीब संती बस्तवाड़ की ये रिहाइश पजीर हैं, और यहाँ पर वो इस एक देहात से यूक्रेन तक का सफ़र करना और MBBS पढ़ना, ये भी एक अगर पूरे हमारे माशरे के लिए कहा तो यह बात से फ़ख्र कह सकते हैं बात। लिहाजा आज हमारे साथ वो आए और यहाँ पर आए, उनके चेहरे पर एक इत्मीनान सुकून देखा जा सकता है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी फंसे हुए हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला हालात साजगार बनाए और तमाम के बच्चे अपने घर लौट आए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।